वेलकम टू माई फर्स्ट क्यूने सेशन। बहुत से लोग हैं जो कमेंट करते हैं, मैं उनके कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। वो जो सवाल पूछते हैं मैं उनका जवाब देता हूँ, पर जो सवाल पूछते हैं रिप्लाई तो उन्हीं को मिलता है ना, जवाब तो उन्हीं को मिलता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये जवाब सबको मिले। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन हो सकती है या बहुत से लोगों को ये सवाल हो सकता है, तो उन सवालों का जवाब उनको भी मिलने चाहिए जो कमेंट्स नहीं कर सकते या जो कमेंट्स नहीं पढ़ते। सो क्वेश्चन नंबर 1, ताल समझा लेकिन ये नहीं समझा कि जो सॉन्ग्स होते हैं उन पर गिनती कैसे करें, उनकी जो मात्रा होती है उनको गिनती में कैसे काउंट करें, कृपया आप ये बताएं। वैसे मैंने ये बात बहुत सारी पहली वीडियोस में बता चुका हूँ। मैं मेरी पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट है ताल के ऊपर, जिसमें मैंने अच्छे से समझाया ताल को और अच्छे से समझाया कि हाँ सॉन्ग्स पर जो बीट होती है उनको गिना कैसे जाता है, उन पर ताली कैसे होती है, उन पर खाली कैसे होती है। पर फिलहाल मैं भी एक सॉन्ग लेकर आपको बता देता हूँ। मैं सॉन्ग लेता हूँ मेरे रस्ते कमर। तो जो सॉन्ग है उसको आप चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 पार्ट मेरे रस्ते कमर, और नंबर 2 पार्ट तूने पहली नजर, और नंबर 3 पार्ट जब नजर से मिलाई, और नंबर 4 पार्ट मजा आ गया। तो जो ये है चार पार्ट है, ये चार पार्ट जो है ये चार पार्ट में हर एक पार्ट में चार चार मात्राएं हैं, यानी कि चार चार बीट है। सबसे पहले मेरे रस्ते कमर, ये चार मात्रा हो गया मेरे रस्ते कमर। तो मेरे पे एक, रस पे एक, के पे एक, कमर पे एक। तो आप ऐसे करेंगे मेरे रश के कमर, फिर आप जो चार मात्रा है, अमन सेकंड खुजला लूँ, फिर आप जो चार मात्रा है वो करेंगे तूने पहली नज़र पे, तूने पहली नज़र, एक तूने पे, एक पह पे, एक ली पे, और दूसरा नज़र पे। मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र। मैं उम्मीद करता हूँ कि उस पर कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए यार, वैसे मैं गाना तो गा थोड़ी ना रहा हूं, मैं तो खाली शब्द बोल रहा हूं। अब बात करते हैं जब नज़र से मिला, चार पार्ट है, जब नज़र से मिला, एक जब नज़र से मिला, जब नज़र से मिला, पहला है जब, दूसरा है नज़र, तीसरा है से, चौथा है मिला, फिर जो पांचवी मात्रा जो है ये आप कह सकते हैं फिर पहली मात्रा मिला। ई ई जो है वो है पहली मात्रा, ई मज़ा आ गया। तो पूरा जो होगा वैसे होगा मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र, जब नज़र से मिला ई मज़ा आ गया। तो चलो अब कोई और सॉन्ग ले लेते हैं। वैसे भी मैं उस सॉन्ग पर बता चुका हूँ पहले भी, तो जो लोग उन वीडियोस को देख चुके हैं उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। सॉन्ग कौन सा लूँ। हाँ, तो ये जो गाना है बिल्कुल नया, बिल्कुल ट्रेंडिंग सॉन्ग, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। तो इसमें जो मात्रा है वो है 8 बीट। ये जो मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, ये 8 मात्राओं में 8 बीट्स में कंप्लीट हो जाता है सॉन्ग। अब देखिए किस तरह से मेरा यार हंस रहा है, तो ये सिर्फ 5 मात्रा आती है, बारिश की जाए ये 3 मात्रा पे है। किस तरह से मेरा यार हंस रहा है पे 5वीं मात्रा, बारिश की जाए। तो ये फर्स्ट मात्रा मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। अब आप इस पर हर बीट पर देख सकते हैं कि हाँ किस तरह से ये फर्स्ट मात्रा पर बीट पर प्ले हुई है, किस तरह से जो है शब्द उस पर बीट प्ले हुए हैं। एक्चुअल में जो बीट होती है, जो मात्रा होती है, वो शब्द पर नहीं, वो बेस्ड होती है कंपोजिशन पे। तो कंपोजिशन पे जहाँ पर दिया जाता है जोर, वहाँ पर शब्द के हिसाब से उनको जोर देना पड़ता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कमेंट था अभय राम का, तो आई होप अभय राम आपको समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन है एसपी का, है एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अरे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने मुझे कॉल किया यार, मेरा तो भाग खुल गया यार। मैं आपको जरूर आंसर दूंगा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जी। बोला आपको मुझसे क्या क्वेश्चन हो सकता है? अरे मैं देखता हूँ क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन है क्या लय और चाल एक ही चीज है या अलग अलग? तो मैं आपको बता दूं एसपी जी कि हाँ लय और चाल एक ही चीज होती है, पर लय और ताल अलग अलग होती है। अगर आपको जानना है कि लय और ताल में क्या फर्क है, तो उस उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वो वीडियो यहाँ पर आ रही है, उस वीडियो का थंबनेल यहाँ पर आ रहा है। आप जाएंगे इस वीडियो के बाद में वो वीडियो देख लीजिएगा। और लय और चाल बिल्कुल एक ही चीज़ होती है। सो क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन है अजहरू अली का। ये पूछते हैं कि हारमोनियम पर सॉन्ग कैसे निकालें भाई। अरे वाह भाई, तो मैं आपको बता दूं कि हारमोनियम पर सॉन्ग निकालने के लिए सबसे पहले आपको हारमोनियम के स्केल समझने पड़ेंगे, और हारमोनियम के जो सुर होते हैं सारे गामा पा धा नि सा, ये समझना पड़ेगा। अगर आप ये समझ चुके हैं तो इनके नोटेशंस, आपके किसी भी सॉन्ग के नोटेशंस आपको गूगल पर मिल जाएंगे। और आपको अगर सुन के ही सॉन्ग्स निकालना है, तो आप उसके लिए आपको सुर की समझ चाहिए।
सुर के समझ बढ़ाने के लिए आपको करना होगा अलंकार का रियाज, जो काफी दिनों तक करना होगा, 2-3 साल तक करना होगा, जो आपके गुरु सिखाते हैं, या जो आप लेसन कहीं यूट्यूब से लेते हैं या कहीं और से लेते हैं, उस पर आपको कंटिन्यू करना होगा काफी टाइम तक। जब आप अलंकार अच्छे से कर लेंगे तो आप हाँ सॉन्ग्स अपने आप ही निकाल लेंगे, आपको सुर की समझ काफी ज्यादा हो जाएगी। और ऐसा जो लोग बताता है यूट्यूब पर कि हाँ आइए 5 मिनट में सॉन्ग सुनकर निकालिए, वो बेवकूफ बनाते हैं आपको, वो आपको उल्लू बनाते हैं, आपको सही नॉलेज नहीं देते हैं। 5 मिनट में निकालना इट्स जस्ट इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन है सुंदरनी दशरथ का। ये पूछते हैं कि हमें तबला सीखना है तो आप बताइए आपकी तबले पर हम सुर ताल और लय का रियाज कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि तबला जो होता है वो एक ताल वादक है, ताल और लय वादक है, वो सुर वादक नहीं, उस पर हम सुर नहीं निकालते, तो आपको इस पर ताल और लय का रियाज करना होगा, सुर का नहीं। हाँ पर कुछ महान कलाकार हैं हमारे, महान अनुभवी हुए हैं, जो इस पर सुर भी निकाल लेते हैं, तो वो तो आपको बाद में प्रैक्टिस करना होगा। पहले आप इस पर क्या करेंगे, नंबर 1 लय, नंबर 2 ताल, इस पर आपको शुरुआत में प्रैक्टिस करना होगा। तो उसके बाद जब आप मास्टर हो जाएंगे इस चीज़ में, तो उसके बाद आप सुर भी थोड़ा सीख सकते हैं अपने गुरुजन से। तो जैसा कि आपने पूछा कि हाँ आप तबला कैसे सीख सकते हैं, तो इसका बड़ा सिंपल जवाब है, आप जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए कि हाँ हमें तबला कैसे सीखना है, या तबला ट्यूटोरियल, तो आपको जवाब मिल जाएंगे, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जो पूरा का पूरा कोर्स होंगे तबला सिखाने में, वो आपको बहुत अच्छा तबला सिखाएंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, तो ये क्वेश्चन पूछा है सामिर सलमानी ने, सामिर सलमानी फॉर यू, ये कहते हैं ऑसम भाई, अरे थैंक यू भाई, थैंक यू, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। भाई आप कहाँ से हो, तो मैं आपको बता दूं, आई एम फ्रॉम यूपी, द डिस्ट्रिक्ट इज बहराइच एंड द नगर पालिका इज नानपारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, पीके तिवारी का ये क्वेश्चन है, भाई आपने बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेन किया है, इतना क्लियर बताया ही नहीं किसी ने आज तक, अरे बस यार, बस रुलाएगा क्या यार, इसकी जरूरत ही कोई नहीं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तो मैं आपको कांटेक्ट कैसे कर सकता हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि आप मेरे इंस्टाग्राम लिंक पर जाकर, मेरे इंस्टाग्राम पर कोई भी जो सवाल है आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जाकर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या डीएम कर सकते हैं, वहां पर मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। और अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप यहां पर कमेंट भी कर सकते हैं, किसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपके सवालों का जवाब आसानी से दे सकूंगा, और लोगों को भी हेल्प होगी, जो हमारी कम्युनिटी है उसको भी, जो लोग म्यूजिक से जुड़े हैं या म्यूजिक को समझना चाहते हैं या उसे इंजॉय करते हैं या उनके बारे में कुछ बस बातें करना चाहते हैं, वो लोग भी कुछ नया सीख पाएंगे अपनी लाइफ में, अपनी स्किल्स में और इंप्रूवमेंट ला पाएंगे, अपने आप को और ग्रो कर पाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7, तो ये क्वेश्चन है बी सिंगिंग टिप्स का, कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, कि आपने इस वीडियो को लाइक किया, कि आपने कमेंट करके कुछ सवाल पूछे, अगर नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर कुछ सीखने को मिले तो लाइक करें, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करके जाना, पर करके जाना। और अगर कुछ पूछना है, कोई और सवाल पूछते हैं, हो सकता है अगला सवाल आपका हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं अगली बार में हो सकता है आपका सवाल आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, टिल देन प्रैक्टिस इट एंड एंजॉय इट।